गुड मॉर्निंग ऑल गाइज, आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक हमने थ्योरी के रूम में पढ़ा, आज हम उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो थ्योरी का जो विषय था, जो टॉपिक था, व्हाई इज द टैली द बेस्ट फॉर बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स, कि टैली की बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या आइटम आते हैं, उसको हम थ्योरी के रूम में पढ़ा। अब हम उसको प्रैक्टिकल के रूम में पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के रूम में करके दिखाएंगे कि कैसे क्या एंट्री होती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने ओपन किया और उसके बाद आप एक नई कंपनी क्रिएट कीजिए और नई कंपनी के थ्रू आपको मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि कैसे। आज 5 जनरल एंट्री ले लेते हैं हम और उसके अकॉर्डिंग हम एक नई क्रिएट कंपनी बनाएंगे पहले कि कौन सी कंपनी। नई कंपनी बनाई हमने, तो नई कंपनी हम किसी भी नाम से बना सकते हैं कि आज मान लो हम प्रोजेक्टर के नाम से बना दें, और कोई एड्रेस है तो आप एड्रेस डाल सकते हैं इसमें। कंट्री आपका इंडिया ही होगा, आई डाल सकते हैं इसमें हम। स्टेट हमारा हरियाणा ही होगा। पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर हो तो, ईमेल आईडी कुछ हो तो, वेबसाइट कुछ हो तो। 1/4/2023 फाइनेंशियल ईयर हमारी स्टार्टिंग, और इसको हम सीधा एंट्री करते करते जाएंगे। तो आपकी प्रोजेक्टर के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई। तो हम पहले यहाँ पर 5 जनरल एंट्री करते हैं, और उस जनरल एंट्री के आधार पर हम आपको व्हाई इज द टैली बेस्ट फॉर बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में विद प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो वो आपको एक एक चीज करके समझाएंगे। तो सबसे पहले जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या है, किस लिए की गई है, तो उसके बाद हम उस पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक पास जनरल एंट्री है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंट 200 रुपये, उसका काटे यानी भाड़े का खर्च हो गया। तो वो परचेज किया 10,000 रुपये का नकद में और 200 रुपये उसमें भाड़ा लग गया। तो आप इसका लिए एंट्री क्या होगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज में आपका 10,000 आ जाएगा, कार्टेज में आपका 200 रुपये आ जाएगा, और कैश का ऑलरेडी बड़ा होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाकर ग्रुप बिहेवियर सब लाइक लेजर, तो ग्रुप लेजर एक ही पार्ट्स है, तो हम सीधा लेजर पर काम करेंगे। तो मैंने एंट्री आपको बताई इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट्स कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश का तो ऑलरेडी बना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ परचेज का लेजर बनाएंगे। तो परचेज अकाउंट्स, परचेज अकाउंट का लेजर आपको किस हेड में जाएगा, अंडर में ये जाता है आपका परचेज के अंदर ही। तो आप इसमें परचेज में ले सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर परचेज सेलेक्ट किया और कुछ नहीं, हमने एंट्री मारते रहो और आपका ये हो गया। इसके बाद सेकंड आता है आपका कि कार्टेज। मैंने कहा था खर्चे 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कार्टेज किस खर्चे में आता है, कार्टेज अगर कोई रिक्शा वाला या टेम्पो वाला लेकर आ रहा है तो तुरंत भुगतान करना पड़ेगा, तो वो खर्चा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। तो मैंने बताया जो खर्चे तुरंत भुगतान करने पड़े उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, और जो कुछ समय के पश्चात किया जाए वो इनडायरेक्ट है। तो ये आपको खाते की प्रकृति, खाते को देख कर बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। जैसे कि अब कार्टेज आपने माल खरीदा तो भाड़ा उस पर लगा है, वो तुरंत ही देना पड़ेगा, ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने बाद। ऐसा नहीं है, मजदूर ने मजदूरी कर ली तो उसको पसीने सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम सबसे पहले अब कार्टेज का बनाते हैं, मतलब सॉरी कार्टेज नहीं है, कैरिज है, कैरिज का बनाएंगे, कैरिज अकाउंट्स। और ये आपका किस्म आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में।
तो आप मेरे ख्याल खर्चे के बारे में समझ गए होंगे, जिसका तुरंत भुगतान करना पड़े उसे डायरेक्ट एक्सपेंस, और जिसे कुछ समय बाद भुगतान करना पड़े उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। तो आपका ये दोनों खाते यानी लेजर बन चुके हैं। अब नेक्स्ट एंट्री थी परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 5,000 फॉर कैरिज। तो ये भी आपने 50,000 की मशीन खरीदी और 500 रुपये उस पर भाड़ा लगा दिया, तो एंट्री क्या होगी इसकी? तो इसके अंदर 7 इंक्लूड ये कहा गया है। पहले एंट्री समझ लें कि एंट्री में क्या कहा गया है, कि अलग क्यों नहीं कर रहे हम, 7 जोड़ के क्यों कर दी, कि इसमें कहा परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 रुपये फॉर इट्स कैरिज, यानी 500 रुपये इसके अंदर शामिल करके हमने उसको दे दिए। तो टोटल हमारी एंट्री कितने से होगी, कि 50,500 से एंट्री होगी, अलग से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब भी आइटम भी आते हैं, तो मशीनरी है, तो मशीनरी क्या है? स्थाई संपत्ति, जो एक लॉन्ग टाइम तक काफ़ी होते कंजप्शन चीज़ें जो खाई और ख़त्म हो गई। पर फर्नीचर क्या है? फिक्स असेट्स, जैसे कि मेज हो गया, टेबल हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, जिनका लॉन्ग फ्यूचर के लिए यूज किया जाए। तो मशीनरी आप जब अंडर में लेंगे तो किस में लेंगे? फिक्स असेट्स में। तो यहाँ मशीनरी लेते हैं, मशीनरी अकाउंट्स, और आपका किस में जाएगा? फिक्स असेट्स। जैसे आप काम करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि आपको कौन सा हेड किसके अंतर्गत आता है, तो आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रुपीज 20,000 एंड फोर सीमेंट 10,000 एंड टिम्बर 5,000 एंड वेजेज फॉर ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग। तो इसके अंदर 20,000 रुपये के अंदर आपका 10,000 रुपये सीमेंट पर, 5,000 रुपये टिम्बर पर और वेजेज पर खर्च किए। तो अब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो आप यह ध्यान दे सकते हैं इसके अंदर कि टोटल आपका कितना हो गया, 20 और 10 30 और 5 35। तो ये आप इकट्ठी ये कर सकते हैं कि जो ये खर्चा तो अलग अलग है, पर एक मेन किस लिए खर्च हो रहा है? एक भवन बनाने के लिए। तो भवन बनाने के लिए तो आप एक मेन चीज़ के अंदर उसका अलग अलग ना दिखा के तो सीधा डायरेक्ट एक ही चीज़ में कर दो कि आप किस में करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम एक बिल्डिंग का लेजर बना लेंगे, तो बिल्डिंग किस में आएगी? फिक्स असेट्स में। तो बिल्डिंग्स अकाउंट्स, यानी ये देखें कि हम ज़्यादा ना करके, हमें तो शॉर्ट ही हो रहा है, इसको हमने फिक्स में ले लिया। तो बिल्डिंग अकाउंट आपका किस में आएगा जी? फिक्स में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इसके अंदर कि हमारे पास परचेज एंड ओल्ड मशीनरी 20,000 स्पेंट ऑफ 2,500 रुपये इन इमीडिएट रिपेयर, यानी उसने 20,000 रुपये की मशीन बेची और 2,500 रुपये तुरंत उसको रिपेयर कराने के ऊपर उस पर खर्चा लगा। तो अब आप ये ध्यान दे सकते हो कि वो जो मशीनरी थी वो कितने हज़ार की थी, 20,000 की, और 2,500 रुपये खर्चा कर दिया, तो टोटल कितना होगा इस मशीनरी पर खर्चा? तो इन्हें ना कर कर हम मेन हेड, जैसे कि यहाँ इसमें बिल्डिंग ले लिया, इसमें मशीन ले लेते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 20,000 की थी और 500 रुपये उसका खर्चा हो गया, तो टोटल खर्चा क्या होगा? हम क्या मान लेंगे कि भाई मशीन हमने खरीदी इतने की और उसके बाद परचेज करी और उसको 2,500 रुपये लगा दिया, तो टोटल तो 22,500 की पड़ी ना। तो मैं क्या कहूँगा भाई, मशीन मैंने कितने की खरीदी है? 22,500 की। मैं ये कोई कहूँगा 20,000 की खरीदी है, क्योंकि जो 2,500 रुपये खर्चा है वो खर्चा तो हो ही गया, पॉकेट से पैसा तो निकल ही गया। तो हम उसको मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री करेंगे। तो इसके अंदर अब आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले की एंट्री कर चुके हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसकी एंट्री भी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। तो लेजर एक बार क्रिएट होता है, एंट्री कितनी हो, जनरल एंट्री कितनी हो, तो इसका लेजर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका ऑलरेडी हम बना चुके हैं, करेंगे तो डुप्लीकेट एरर शो करेगा। तो इस प्रकार जिससे कि हमने एक बार एंट्री बना ली, लेजर बना लिया, उसका हम दोबारे नहीं बनाएंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल दी पेड रुपीज 500 रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, मतलब अदर मशीनरी पर उन्होंने रिपेयर पर खर्च कर दिए। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिपेयर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, क्योंकि तो रिपेयर करवाते आपको पैसा देना पड़ेगा। तो रिपेयर्स अकाउंट्स, तो ये आपका किस में आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिए और आपका ये एंट्री हो गई। अब एंट्री होने के बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे और सीधा किस पर जाएंगे? अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे। और अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के लिए सबसे एंट्री मैंने आपको फर्स्ट एंट्री बताई थी, परचेज अकाउंट डेबिट्स कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो किस में? F5 में जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर परचेज करो, परचेज हमारे पास हो गया, कुछ नहीं करना आपको, परचेज हमारे पास होगा 10,000। और इसके बाद आपका परचेज के बाद, अब इसके अंदर दो एंट्री है परचेज की, तो बाय, फिर हम
कैरिज ले लेते हैं। कैरिज का हमारे पास था इसमें 200 रुपये, और फिर ट्रांजेक्शन हमारी हो जाएगी कैश, तो ये कैश ले लेंगे, तो हमारे वो टोटल 10,200 रुपये आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट्स, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जाता है तो F5 और आता है तो F6, तो ये जा रहा है तो F5 होगा, तो ऑलरेडी भी F5 में हुई थी, तो मशीनरी में यहाँ एंट्री करेंगे। तो मशीनरी हमारे पास हो गई 50,500 की, और यहाँ पर हमने कैश कर देंगे, और यह हमारे पास ये कैश हो गया। इसके बाद अगली एंट्री थी हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें कैश जा रहा है तो इसी में आएगा, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग कर देंगे, और बिल्डिंग हमारे पास हो गया 35,000 रुपये, तो इसको 35,000 से कर देंगे या टू कैश कर देंगे, और हमारे पास ये एंट्री हो गई। इसके बाद हमने फोर्थ एंट्री थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ECABC में जाएगी, तो मशीनी कर दिया। मशीनी हमारे पास 22,500 की हो गई, क्योंकि 20,000 के लिए गए 25 रुपये खर्च कर दिया उस पर, 22,500 हमारे पास एंट्री हो गई। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी F5 में जाएगी रिपेयर, क्योंकि जा रहा है पैसा, आता तो F6 कर देते। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू 500 रुपये, और यहाँ पर हम कैश। तो अब ये जनरल एंट्री का काम हो गया। अब हम चलते हैं कि वाई इज द टैली इज द बेस्ट फॉर बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसको फर्स्ट ये मैंने बताया था आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट पर जाएंगे। अब यहाँ से बिल्कुल बाहर आ जाइए, और फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे वो देख सकते हैं कि आप किस पे जाएं, डिस्प्ले पे जाएं, और डिस्प्ले पे जाकर आप किस पे जाएंगे, आप इस अकाउंट्स बुक पे जाएं, और अकाउंट बुक पे जब जाएंगे आप तो कैश बुक बैंक बुक देख लें पहले। तो कैश बुक बैंक बुक आपका ये कैश बुक है, तो यहाँ आप कैश आ गया। अब आप देख सकते हो कि कैश बैलेंस आपके पास क्या है, कि टोटल आपके पास पेमेंट हुई है, तो 1,18,700 आपकी पेमेंट साइड शो कर दिया। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाएं, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे ये हम आपको, हाँ, तो इसमें देख सकते हैं जो हम शुरू का था फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर हमने आपको बताया था फंड फ्लो स्टेटमेंट, जब फंड फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि ये है आपका, और इसको ओल्ड F1 करेंगे हम डिटेल देखने के लिए, पहले ओल्ड F2 कर दो इसका पूरा साल भर की चेक करने के लिए। तो 1/4/23 to 31/3/24 करेंगे हम यहाँ पर, तो ये आपका ईयर वाइज नीचे भी देख सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल शो करेगा, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, तो इसमें तो सारा पैसा गया है क्योंकि तो सारी पेमेंट हुई है, तो आपका इसका नेट लॉस हुआ है आपका कंपनी को, क्योंकि हमने खरीदा है और बेचा नहीं। तो एक हमारा जो फर्स्ट थी आपकी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है। मैं शुरू से दिखा देता हूँ कैसे आपको करना क्या है, कि आप सीधा डिस्प्ले पे जाएं, डिस्प्ले पे जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएं, यानी इस पर डिस्प्ले पे गए आप और अकाउंट्स बुक पे गए आप, तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा नीचे देखो स्टेचरी से कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट जाएगा और यहाँ एंट्री करेंगे, और ऑल्ट F2 से इसका ईयर चेंज कर सकते हैं, यानी 31/3/24 कर सकते हैं आप, और ये आपके जनरल एंट्री ऑल्ट F1 से चेक हो जाएगी। तो ये आपका था फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट में था रिसिप्ट से टर्नओवर पेमेंट परफॉर्मेंस और डेटर, जिसमें रेशो एनालाइज जाते हैं। तो रेशो एनालाइज कैसे होगा वो आप देखिए, आपने इस पर क्लिक किया, और इस पर जब क्लिक करेंगे हम तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट ले सकते हो और ओल्ट F1, जब ओल्ट F1 करेंगे या ओल्ट F2 कर दो इसको, और 1/4/31/3/24 तो आपका 31/3/24, तो इसके अंदर ओल्ट F1, तो जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट के बाद जो रिसीवेबल टर्नओवर है पेमेंट परफॉर्मेंस डेटर्स, वो आपका देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना पैसा आपका GP है NP है वो आपका शो कर सकता है। तो ये आपका क्या है कि एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जा रहा है कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है, तो आप उसको आसानी पूर्वक इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार
आप जब डिस्प्ले पे जाएंगे तो डिस्प्ले पे गए और डिस्प्ले यहाँ रेशियो एनालाइज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेशियो एनालाइज जो मैंने आपको बता रहा था इसमें कि परसेंटेज शो करते हैं या अमाउंट शो करेगा, जैसे वर्किंग कैपिटल का 1,18,700, इसके बाद नीचे आ जाओ और बाकी कैश बैलेंस भी तो आपकी तरफ दिखा दिया 1,18,700, और इसके बाद स्टॉक इन हैंड 1,00,000 रुपया हो गया, और इसके बाद ये हो गया हमारे पास, फिर नेट लॉस हो गया 10,700 का। और इसी प्रकार मेरे को आने बना कि आप देख सकते हैं करंट रेशो का फार्मूला, क्विक रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, सबका ये परसेंटेज को शो कर रहा है। तो ये आपका हो गया कि पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स, तो आप ये आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग में आपको बताया था कि डाटा एक दूसरे डाटा ट्रांसफ़र हो जाए, और इसके बाद मेन आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में हो गया। बजटिंग एंड कंट्रोल्स, कि आपका बजट एंड कंट्रोल किस हिसाब से कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार करेगा। अब ऐसे ही आप अपना टाइल बैलेंस देख सकते हैं, तो इसके अंदर बैलेंस शीट भी देख सकते हैं आप, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं, तो कंपनी को लॉस हुआ है हमारे, और इसके बाद इन्वेंट्री को, वोचर को भी देख सकते हैं। तो आपका ये पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, और भाई उसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस हो गया हमारा, और नेक्स्ट हमारा रेशियो एनालिसिस के बाद हम चलते हैं इसमें फ्लेक्सिबल रिपोर्ट वगैरह हो गई हमारे पास, और नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल पीरियड के अंदर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाता है और पोस्ट सेंटर रेशियो एनालिसिस आ जाता है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर चीज़ को आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं इसमें। आप इस यहाँ पर ये देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है, और पूरे साल भर की देखना चाहते तो ओल्ट F2 करके यहाँ पर 31/3/24 कर दो, और जितनी भी सारी टोटल एंट्री है वो आपकी शो करेगी। और अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो ओल्ट P कर दो, जब ओल्ट P करेंगे तो बाकी सारी चीज़ सेट है, और केवल येस करना है और आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो ये आपका दे, और इसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें 10,700 का लॉस हुआ है। अगर आप इसी को भी अगर देखना चाहें तो इसमें कि 10,700 हो गया, और इसको भी डिटेल से देखने के लिए ओल्ट F1 कर सकते हैं, तो आप ये आसानी पूर्वक इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। इसके बाद स्टॉक समरी देख सकते हैं, और स्टॉक समरी के अंदर कि आपका कितना स्टॉक इसमें है नहीं, अब इसे रेशियो एनालिसिस हो गया आपका, डिस्प्ले पर जाकर टाइल, अब टाइल बुक को भी देख सकते हैं पूरे साल भर की जो बुक पड़ी है। यहाँ पर ओल्ट F2 किया और 31/3/24 किया, और ये आपका हो गया। तो इसके अंदर ये टाइल तलपट सूची कहा जाता है हिंदी में, तो इसको आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले पे आ गए, और इसके बाद आ जाओ डे बुक होगा नहीं, और रिसीवेबल अकाउंट बुक में आएंगे, तो अकाउंट बुक का आपका कैश बैंक बुक हो गई, लेजर हो गई, ग्रुप समरी, ये चीज़ें हो गई। तो इनको भी आसानी पूर्वक, जैसे लेजर है तो आप इसमें लेजर देख सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आप आउटस्टैंडिंग, अभी मैंने कहा था स्टेटिकल्स भी आपको एक दो दिन पहले बताया था, स्टेटिकल्स के होता क्या है। अब आप देखो कॉन्ट्रैक्ट की एंट्रीज में भी जीरो है जो आपने की है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री हो गई, और इसके बाद क्रेडिट नोट हो गए। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एंट्री जीरो है, क्रेडिट नोट भी जीरो है, डेबिट नोट भी जीरो है, और डिलीवरी नंबर भी जीरो है, और उसके बाद आप जो वर्कआउटर ऑर्डर वो भी जीरो है। तो ये सारी चीज़ आप इसके अंदर आसानी पूर्वक देख पाएंगे। अब इसमें देखो सबसे मेन जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्टैटिकल में, आपको बताया था कि ग्रुप 28 बने हुए हैं जो, और 27 हमने लेजर बनाए हैं, स्टॉक ग्रुप जीरो है, और स्टॉक आइटम भी जीरो है, वोचर टाइप 22 हो गए, इंडिया के अंदर 01 है, और उपलब्धि 13/4, और करेंसीज हमारी एक हो गई। तो ये सारी आपने देखा, ये स्टैटिकल्स है, और स्टैटिकल्स के अंदर आप आसानी पूर्वक आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, कितने ग्रुप बने हुए हैं, कितने लेजर बने हुए हैं, कितने स्टॉक ग्रुप है, कितने आइटम है, कितने वाउचर टाइप है, कितने यूनिट है, करेंसीज है, ये सारा आप इसमें आसानी पूर्वक देख सकते हैं। इसी प्रकार आपका आउटस्टैंडिंग कितना खड़ा हुआ है, कितना रिसीवेबल में खड़ा हुआ है, कितना पेबल में है, रोल्ड भी करके उसको आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपको व्हाई इज़ द टैली ऑफ द बेस्ट बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझाया, और इसी प्रकार हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे, पसंद करने पर फिर लाइक से सब्सक्राइब करें,
जय हिंद जय भारत।